नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजू इन्फॉर्मर में। इस चैनल पर आपको केंद्र सरकार राज्य सरकार से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए नए अपडेट्स आपको जल्दी से मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के बारे में। हमारे देश के सभी किसान भाइयों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सरकार ने सभी किसान भाइयों के लिए नई प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2022 की शुरुआत की है, जिससे किसान अपनी कृषि उपज को दोगुना कर पाएंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि लाना है और यह वृद्धि तभी होगी जब किसान के लिए सरकार सभी उपकरणों पर छूट प्रदान करेगी और साथ ही उनके लिए नई नई योजनाएं चलाएगी। अगर आप भी सरकार की प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे और साथ ही साथ आपको इस योजना का लाभ किस प्रकार से मिलेगा इसका पूरा विवरण आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, तो वीडियो जरूर देखें। अगर आप भी हमारे बताए गए तरीकों का पालन करते हैं तो आसानी से प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2022 का लाभ उठा सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऐसे किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाना तय है जिनकी कृषि उपज अच्छी नहीं है, जिसका कारण यह है कि उनके पास ट्रैक्टर नहीं है, तो सरकार उनके लिए ट्रैक्टर मुहैया कराने में सहायता प्रदान करेगी। ऐसे किसानों के लिए सरकार सब्सिडी मुहैया कराएगी ट्रैक्टर खरीदने के लिए। सरकार द्वारा किसान भाइयों को नया ट्रैक्टर खरीदने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत किसान की श्रेणी के अनुसार उन्हें ट्रैक्टर खरीदने हेतु 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। देश के सभी किसान भाई जो खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और सरकार से इस योजना के अंतर्गत 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। किसानों को यह सब्सिडी उनकी श्रेणी के अनुसार दी जाएगी। अगर किसान सक्षम है और योग्य है तो उसे सरकार द्वारा 20% की सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन अगर कोई किसान आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए सरकार 50% तक की सब्सिडी देने की योजना बना रही है। सरकार द्वारा इस योजना की जो भी सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी वह सीधे आपके बैंक खाते में डाली जाएगी। इसके लिए आपके बैंक खाते के साथ आपका आधार नंबर लिंक होना जरूरी है और इसी के साथ किसान भाई का बैंक में खाता भी होना आवश्यक है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लाभ, यह योजना देश के सभी किसान भाइयों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी छोटे मोटे किसानों को चुना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को ट्रैक्टर खरीदने हेतु लोन की सेवा भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों को ट्रैक्टर खरीदने हेतु सब्सिडी प्रदान करेगी। अगर कोई देश में महिला किसान इस योजना का लाभ उठाती हैं तो पहले उसे वरीयता दी जाएगी। जो भी किसान इस योजना का पहले से ही लाभ उठा रहे हैं उसे दोबारा इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2022 के लिए डॉक्यूमेंट्स, इस योजना का लाभ केवल किसान भाइयों को ही मिलेगा। योजना में आवेदन करने के लिए किसान के पास कृषि भूमि होनी चाहिए जो उसके नाम पर हो। किसान की भूमि का खसरा नंबर, भूमि की खतौनी की नकल, किसान का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, भूमि संबंधित जरूरी दस्तावेज। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन ऐसे करें। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2022 का लाभ उठाने के लिए सभी किसान भाइयों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में कुछ राज्यों ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। हम आपको यहाँ प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2022 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। ऑनलाइन आवेदन, जिन राज्यों में किसान ट्रैक्टर योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है वहां पर किसान भाइयों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को लेकर अपने कृषि विभाग में जाना है। वहां पर किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान चाहे तो अपने गाँव के लेखपाल से संपर्क कर सकता है। को ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने जिले के कृषि विभाग में संपर्क करना है, वहाँ से आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन, सबसे पहले अपने राज्य की आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट खोलने के बाद किसान ट्रैक्टर योजना आवेदन पर चयन करें। आवेदन खुलने के बाद इसमें मांगी गई समस्त जानकारी भरें।
अपना संपूर्ण विवरण भरने के बाद अपने जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें। दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद एक बार फिर आवेदन को चेक करें। अगर आपका आवेदन सही प्रकार से भरा गया है तो आप आवेदन को सबमिट कर दें। आवेदन को सबमिट करने के बाद इसका प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख दें। धन्यवाद।